मधेपुरा शहर के कला भवन सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। रालोजा जिलाध्यक्ष रविशंकर उर्फ पिंटू मेहता की अध्यक्षता में सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए रालोजा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य में व्याप्त दुर्दशा से बिहार को बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि जिस लालचीन के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, आज सीएम नीतीश कुमार उसी की गोद में जा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यू खाली डब्बा की तरह है। कि कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले राजा शासनकाल में हत्या अपहरण लूट का बोलबाला था। राजद की नीतियों का विरोध कर एकजुट होकर वर्ष 2005 में नीतीश कुमार को नेता माना, आज उसी के साथ नीतीश कुमार खाली डब्बे की तरह है। जनता दल यूनाइटेड रालोजत का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सत्ता सुख भोग रहे हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज लवकुश के साथ छल किया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू बर्बाद पार्टी है। रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा बिहार में गणित साइंस कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य छात्रों की कमी वाले बयान पर देखकर सम्मानित किया और कार्यक्रम का कटाक्ष किया। कि सम्मेलन हुआ आपके सामने ना, सम्मेलन हुआ है बिहार के सभी जिलों में, सम्मेलन की तारीख तय है। अभी हम लोग आज मधेपुरा आए और यहाँ हर ब्लॉक के लोग आए हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लोगों ने किया। पार्टी से हर जगह पूरे बिहार में सभी जात धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, गरीब गुरबा जुड़ रहे हैं, तो इस रूप में यहाँ भी कार्यक्रम हुआ। देखिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए 40 लोकसभा क्षेत्रों में अभी संगठन का काम और उसी के द्वारा चुनाव की तैयारी का काम चल रहा है। गठबंधन में हम एनडीए में हैं, जहां जहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी के लिए हमारे लोग काम करेंगे, और जहां जहां गठबंधन में दूसरे दल के लोग उम्मीदवार होंगे गठबंधन के साथ ही, वहां हमारे लोग उनकी मदद करेंगे। तो इस दृष्टि से संगठन की ज़रूरत सब जगह है, सभी जगह संगठन चल रहा है। अरे भैया देखिए, एनडीए 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करेगा, क्योंकि नाम कोई कुछ रख ले उससे नहीं फर्क पड़ता है। कोई, हम तो पहले भी बोलते रहे हैं कि कोई अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उसका बेटा कलेक्टर थोड़े हो जाएगा। तो नाम उन्होंने जो कुछ भी रखा, उनकी मर्जी, रख लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। नरेंद्र मोदी जी को एक एक बच्चा चाहता है, एक एक आदमी चाहता है कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में वही होगा जो एनडीए की सरकार बनाने में जो लोग जाकर वहाँ मदद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वही लोग जीत कर जाएंगे। बिहार के समस्तीपुर के एक मौलाना थे जो गुड़गांव 57 मस्जिद में नमाज पढ़ाते, उनका हत्या किया गया। इस घटना की जानकारी हमको नहीं है भाई, इस घटना की जानकारी हमको नहीं है, हम कैसे बोल रहे हैं।